कंगना ने एनिमल फिल्म के मेकर्स पर सवाल उठाया है, कहा है कि इतना खून दिखाया और कोई भी कानून नाम की चीज नहीं है। कंगना ने कहा किस तरह की ये फिल्म है आप देख लीजिए, बॉक्स ऑफिस पर बवाल मची हुई है। पेट्रियाटिक वाली फिल्म ओहो देख के लगता है कि कहां से निकल के आते हैं ये लोग तालियां सीटी मारते हुए। साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म जितनी ही जबरदस्त हिट हुई थी उतनी ही जबरदस्त उसे ट्रोल भी किया गया था। इस टॉपिक को लेकर काफी चर्चा भी हुई, फिल्म को महिला विरोध बताया गया था। अब सांसद एक्ट्रेस कंगना रनावत ने भी इस पर अपनी राय रखी है। कंगना ने फिल्म को मार्सजनिक से भरपूर बताया। एक्ट्रेस के मुताबिक एनिमल सिर्फ मस्ती के लिए बनाई गई है, यह एक फिल्म जिसका कोई आधार नहीं है। मशीन गन्स लेकर वो स्कूल में जाते हैं जैसे कि पुलिस है ही नहीं और कोई परिणाम नहीं है और ना ही कोई इसमें कानून व्यवस्था पूछा जा रहा है। कंगना ने आगे कहा कानून व्यवस्था है ही नहीं, लाशों के ढेर है, क्यों मस्ती छाई हुई है, ना वो लोक कल्याण के लिए है और ना ही सरहदों के लिए है, ना वो जन्म कल्याण के लिए है, बस मस्ती में है, ड्रग्स लेकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या जनता निकलती है उसको देखने के लिए? आप जनता को भी देखिए तो क्या बोल सकते हैं, ऐसे समाज के लिए चिंता का विषय है ये। इस तरह की फिल्मों को प्रमोट नहीं होना चाहिए और निंदा होनी चाहिए, जो लोग बना रहे हैं उनकी भी आलोचना होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी कंगना एनिमल फिल्म की निंदा करते हुए पोस्ट शेयर कर चुकी हैं। कंगना ने लिखा था मैं अब तक बहुत संघर्ष कर रही हूं लेकिन दर्शक भी ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ सेक्स अब्यूज की तरह व्यवहार किया जाता है और उन्हें जूते चटाने के लिए कहा जाता है। फिल्मों का नया चलन जिसमें महिलाओं को दीवार पर मात्र फूल के रूप में दिखाया जाता है, हिंसक और अपमानजनक तरीके से इसकी गरिमा और कपड़ों को छीन लिया जाता है। खैर बता दे कि एनिमल को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है, इसमें रणबीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और अनिल कपूर मेन लीड में नजर आए थे। वेल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हिंदी खबर।